गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन सेंस ऑर्गन्स। और सेंस ऑर्गन्स आर इम्पोर्टेंट टू द नर्वस सिस्टम एज देयर ऑर्गन्स हेल्प टू रिसीव मैसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। हमारा ब्रेन सेंसेस को रिसीव करता है और हमारी बॉडी को एक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। जैसे कि जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ डॉगी देखते हैं, तो हमारा माइंड हमें इंस्ट्रक्शन सेंड करता है कि हमें दौड़ना चाहिए और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। वो क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन में कई पार्ट्स होते हैं। पहले हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, वो है आइज। आइज आर द सेंसेस ऑर्गन ऑफ साइट। कैमरे की तरह काम करती है हमारी आइज। हम जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं वह उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट आती है। यानी कि अगर हम किसी चेयर को देख रहे हैं या किसी कार को देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट आती है और हमारी आई के पीछे इमेज बनाती है। उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे आई के पीछे बनती है। जहां नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और नर्व्स जो होती हैं वो हमारी आईज में होती हैं, वो ब्रेन को इमेज के बारे में बताती हैं। यानी कि ब्रेन जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो मैसेज सेंड करती हैं ब्रेन को उस इमेज के बारे में। फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि वह किस चीज की इमेज है, वापस हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि इमेज किस चीज की है। ये कार की इमेज है, ये चेयर की इमेज है, जो हमने देखी है ऑब्जेक्ट वो किसकी इमेज है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें ब्रेन बताता है। नाउ वी विल डिस्कस ऑन पार्ट्स ऑफ आईज। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसके? आईलिड्स, कॉर्निया, पुपिल, लेंस, इरिस आर सम पार्ट्स of eye. The eyelids prevent outside particles from entering the eye. मिट्टी हो गई, धूल जो particles हैं वो हमारी आंखों में बचाने के लिए कौन help करता है? Eyelids help करते हैं. Cornea is the thin transparent layer that cover the front of the eye. Cornea जो है वो एक thin और transparent layer होती है जो हमारे आई के फ्रंट को कवर करती है। बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि हम जब भी सुनते हैं, कई बार सुनते हैं कि हम आईज डोनेट करते हैं, लेकिन जब हम आईज डोनेट करते हैं तो हम आई का कॉर्निया जो पार्ट होता है, कॉर्निया, हम इसको डोनेट करते हैं। ओके, अब है इरिस। इरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। यानी कि जो कलर देखते हैं हम, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इरिस रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर जो होते हैं दो अलग चीजें होती हैं जो बताती हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट का कैसा कलर है, जिसको रोड और कॉन्स कहते हैं। इट एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। यानी कि ये जो लाइट हमारी आंख में एंटर कर रही है उसको एडजस्ट करती है। यानी कि ज्यादा लाइट आ रही है, कभी ज्यादा लाइट आती है, कभी कम लाइट आती है। तब जब ज्यादा लाइट आती है हमारे आईज में, ज्यादा लाइट एंटर करती है, तो जो हमारी इरिस है वो उसको कंट्रोल करती है। द पपिल इज द इनर डार्क स्पॉट। अब पपिल तो आप जानते होंगे ना कि ब्लैक स्पॉट सा होता है आईज के अंदर। इट्स ए होल इन द आई थ्रू विच लाइट एंटर। ये आई में एक ऐसा होल होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। पपिल के पीछे ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। लाइट है वो लेंस के थ्रू एंटर करती है और रेटिना पर पहुंचती है। इमेज रेटिना पर बनती है। रेटिना जो है आई के पीछे बना होता है, वो यहाँ इमेज रेटिना के पीछे बनती है। यहाँ ब्रेन ऑप्टिक नर्व्स जो है वो ब्रेन तक पहुंचाती है इस इमेज के बारे में, और ब्रेन हमें इमेज किसकी है ये इंफॉर्मेशन देता है।
यानी कि जो इमेज बनी है वो पहले तो ऑप्टिक नर्व्स किस तक पहुंचाएगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा, फिर ब्रेन में बताएगा कि ये जो इमेज है वो किस चीज की है। ईयर हमारा ईयर जो है वो 4 लाख के करीब साउंड पहचान सकता है। ये के पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। तो ईयर फ्लैप होता है, ये फ्लैप जिसको बोलते हैं, फ्लैप जो आउटर ईयर में होता है वह साउंड बाहर से कलेक्ट करता है, यानी बाहर जो साउंड होती है उसको वो साउंड कलेक्ट करता है और वो साउंड ईयर कैनल तक पहुंचता है, ईयर कैनल तक पहुंच जाता है, और ईयर कैनल भी आउटर ईयर का ही पार्ट। उसके बाद मिडल ईयर में एक टफ मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। साउंड जाके ईयर ड्रम से टकराती है और वहां से साउंड को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, और फिर ब्रेन हमें इंस्ट्रक्ट करता है साउंड के बारे में कि साउंड किस चीज की थी। नोज, नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल, इट हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स। जब भी हम सांस लेते हैं जो तो हवा जो है वो हमें नोस्ट्रिल के थ्रू हमारे नोज में एंटर करती है। वहां जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं नोज के अंदर वो मैसेज कैरी करती हैं कि कहाँ तक, ब्रेन तक मैसेज कैरी करती हैं उस स्मेल के बारे में, और फिर ब्रेन हमें बताता है कि स्मेल किस चीज की थी, ठीक है। यानी कि जो टोटल गेम जो है वो ब्रेन का है इसमें, कि नर्व्स जो है वो मैसेज पहुंचा रही है ब्रेन तक और ब्रेन वापस इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके बारे में बताता है। जो हमारे वुमन नोज है वो 10,000 के करीब स्मेल पहचान सकता है।